समाचार एक्सप्रेस न्यूज, जनहित की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस की खास खबरों का बुलेटिन। हम आपको आज एक दिल दहला देने वाली खबर बता रहे हैं। यह खबर पंचकुला से आ रही है। पंचकुला में जो आज जो घटना घटित हुई है वह बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। एक 5 साल की मासूम बच्ची से पहले रेप किया गया और फिर बेरहमी से रेपिस्ट ने उसका कत्ल कर दिया। हैरानी की बड़ी बात यह है कि यह जो घटना आज पंचकुला में घटित हुई वह दिन दिहाड़े घटित हुई थी। और आरोपी जिसने बच्ची का रेप किया वह यह कहकर बच्ची को लाया था कि वह कंजक बिठाने जा रहा है। कंजक बिठाने को लेकर पहले बच्ची को घर से ले गया और फिर उसने क्या काम किया आप सोच भी नहीं सकते। बच्ची का तो उसने रेप किया ही किया, बाद में रेप करने के बाद उसने बच्ची का सिर पत्थरों से बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। बच्ची चीखती रही लेकिन आरोपी को कोई दर्द नहीं आया। बाद में बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग बच्ची का पता लगाने के लिए जब आरोपी के घर पहुंचे तो वह वहां नहीं मिला, क्योंकि 12 साल का आरोपी बच्ची को यह कहकर घर से लाया था कि उसे बच्ची को कंजकों में बिठाना है। कंजक बिठाने के बहाने आरोपी बच्ची को एक वीरान जगह पर ले गया। आरोपी पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के पास, वहाँ जो झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं उसमें वो 5 साल की बच्ची रहती थी और उसे वह बच्ची को कंजक बनाकर वहाँ से घर से यानी कि उनके माँ बाप को कह के लाया था। लेकिन कंजक बिठाने के बहाने वह साथ लगते थाने के चंद कदम दूर उसे झाड़ियों में ले गया। पहले तो उसने बच्ची का रेप कर डाला। 5 साल की मासूम पहले तो दर्द से कराहती रही और फिर इंसान से हैवान बने इस 12 साल के बच्चे ने 5 साल की मासूम बच्ची का पत्थरों से मार मार कर सिर कुचल डाला। हैरानी की बड़ी बात यह भी है कि जिस स्थान पर यह वारदात हुई उसी सेक्टर में लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत एक स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है, जहाँ भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। लेकिन दिन दिहाड़े थाने के निकट घटित हुई मासूम के साथ इस रेप की घटना ने सुरक्षा के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। आइए अब हम आपको यह घटनास्थल दिखाते हैं जहां दरिंदा बच्ची को ले गया और उसने रेप किया। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया। इसमें पुलिस अधिकारी क्या बोल रहे हैं वह भी आप पहले देख लीजिए। आपने देखा कि किस स्थान पर यह घिनौनी वारदात की गई। इसमें सभी अभिभावकों को सचेत रहने की जरूरत है। देश में दुष्कर्म के खिलाफ कड़ा कानून बनाए जाने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आज की घटना ने हम सबको व्यथित यानी कि व्याकुल कर दिया है। घटना के समय 5 साल की मासूम के साथ क्या गुजर रही होगी इस बारे में केवल सोचने भर से ही हमारी रूह कांपने लगी है। अब समय आ गया है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल गंभीर और सचेत हो जाएं। किसी पर भी भरोसा ना करें, खास तौर पर तब जब आपकी बच्ची अथवा बेटी कहीं किसी के साथ अकेली जा रही हो। खास तौर पर बेटियों को अनजान व्यक्ति के साथ कहीं ना जाने दें, ऐसा हरगिज ना होने दें। कोशिश करें कि आप अपनी बेटी और बच्ची के साथ साथ रहें। इस मामले में लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके मोहल्ले और क्षेत्र में कोई गलत कर रहा है या आप शंका भी करते हैं तो फौरन इसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि आपकी जागरूकता किसी का जीवन बचा सकती है। इसमें एक बात खास तौर पर अभिभावकों को ध्यान देनी चाहिए कि वह अपने बच्चों के चरित्र की ओर भी ध्यान दें। आप 12 साल का बच्चा इस तरह की घिनौनी वारदात जैसे कर रहा है उससे कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि जिस बच्चे ने यानी कि जिस नाबालिग 12 साल के बच्चे ने 5 साल की मासूम के साथ रेप किया है उससे यह भी लगता है कि परिजनों ने अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आजकल के बच्चे 24 घंटे मोबाइलों पर व्यस्त रहते हैं, कई फिल्में देखते रहते हैं, यानी कि अब तो
मैदान पर जो खेलने वाला बच्चा है वो भी अब मोबाइल पर खेल खेलने लगा है। इसलिए आप सचेत रहें, बच्चों को इतना भी ना गढ़ने दें कि वो आपसे बेकाबू हो जाएं और फिर इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देने लगें। आखिर इज्जत तो माँ बाप की ख़राब होती है, साथ में समाज में नाम भी ख़राब होता है, क्योंकि ऐसी हरकत कतई यानी कि कदापि किसी भी तौर पर हर तरह की हरकत को किसी भी तौर पर किया जाता, इसलिए हमेशा आप सचेत रहें। नमस्कार। सुमन क्या हुआ है? मेरी लड़की है। क्या हुआ लड़की को? लड़की को पता नहीं, इतना नहीं मुझे पता। बच्चे बोलते रहा कि वह पकड़ के ले गया बंदा था एक। कब से गायब है? 10 बजे से, सुबह से। हाँ जी, तो अब क्या पता चला? मैं ढूंढने लगे तो बच्चे बोले कि वह पकड़ ले गई। खुशबू ना हुए मेरी लड़की का। क्या नाम है? खुशबू। और जो लेकर गया उसको वो कितने कौन है? लखपति है। लखपति कितनी उम्र का है? 12-13 साल का। नहीं, 15-16 साल का है। चलो, लड़की कितने साल की है? लड़की 5 साल। सिर्फ कहाँ रहता है वो लड़का, आपको पता है? वहाँ रहता है। लेकर क्यों गया था वो? बता ही नहीं पा रही, पकड़ लिया गया आदमी का। किस लिए लेकर गए थे उसको? बोल रहा होगा कि कंचके खिलाने जा रहे थे, मेरी लड़की से बोल रहा होगा ना कि तू भी कंचके खिलाने ले गया था। कंचके खिलाने ले गया था, फिर वो पता नहीं जाती थी कि नहीं जाती थी। मैं काम करने गई थी। सर, डेड बॉडी है जो एक खाली प्लॉट है स्कूल के साथ ही, इसमें मिली थी। और डेड बॉडी को देख के लग रहा है कि बच्चे के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की। तो माइक ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति पे उनको शक भी है तो उसको पूछताछ के लिए हमने हिरासत में ले लिया। तो जल्दी मुझे उम्मीद है कि पूरी जो घटना होगी उसका खुलासा। एक चीज़ क्लियर कीजिए कि क्योंकि पता चल रहा है कि जो ये लड़का था इसके साथ, इसके 2 से 3 लड़के और बताए जा रहे हैं जो इसके साथ गए थे, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है। देखिए, अभी जो एक आदमी का नाम आया है उसको हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसके इंटरोगेशन में अगर कोई और अक्यूज का नाम भी सामने आया, अगर किसी और की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली विल टेक लीगल एक्शन। रेप लग रहा है? बिल्कुल। गैंगरेप भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो मैंने बताया कि जो अक्यूज है जिस पे मेंशन है उसकी पूछताछ के बाद ही सब। क्या कहकर लड़की को ले जाया गया था? तो फादर ने बताया कि बच्ची को ये कह के ले गया था कि तुझे कंचक खिलाने के लिए लेके जाता हूँ, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जो छोटी बच्चियों को भोजन खिलाने के लिए लोगों के जो घरों में जाते हैं, तो उसके बहाने को ले। किस समय का हादसा है और कैसे पता चला? कैसे जानकारी मिली? ये जो टाइम लगभग 10 बजे का बताया जब बच्ची को लेके गया, तो कुछ देर पर तो पेरेंट्स अपने लेवल पर भी ढूंढते रहे। उसके बाद ये थाने में आए और थाने में ही इसके फादर को फ़ोन पर सूचना मिली कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी यहाँ पे है, तो तुरंत से फिर पुलिस साथ आई है मौके पे और फिर हमने सारी। जैसे वॉल देखी जा रही है, इट्स अराउंड अबाउट 8 feet अप, तो कैसे इतने ऊंचा कैसे लेकर गया है? देखिए, तो उससे पूछताछ पे ही पता लगेगा। एक हटा भी किया गया दीवार, हम भी कूद के ही ऊपर गए हैं और वो अभी मैंने बताया पूछताछ हो रही है। उसके बाद हम घटना जो स्थल है उस पर भी अक्यूज को लेके आएंगे और उससे सारी जो भी यहाँ पे जो हुआ है उससे बारीकी से पूछताछ की। दीवार में खड्डा भी किया गया हुआ है? अगेन आपको बार बार वही बात कह रहा हूँ। थैंक यू सर। ये आज जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो सेक्टर 14 के थाने में आए थे कि उनकी 5 साल की बच्ची गायब है, और उसी दौरान जब वो शिकायत देने थाने में आए तो किसी ने लड़की के फादर को फ़ोन करके बताया कि ऐसे बच्ची की लाश सेक्टर 14 में जो स्कूल है ये, इसके साथ ही खाली प्लॉट है, इसमें पड़ी है। तो तुरंत पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर बच्ची की जो डेड बॉडी है जिसकी उम्र लगभग 5 साल है वो मिली है, और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बच्ची के साथ रेप किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की। आरोपी गिरफ्तार कर लिया? हमने शक के आधार पे आरोपी को हिरासत कर लिया, उससे पूछताछ। तो सर, बच्ची के क्या हत्या के पत्थर से ये अभी लग रहा है इसको? देखिए, ये तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। हाँ, एक पत्थर मिला है मौके पर जिसमें कुछ खून भी लगा हुआ है, तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस चोट के कारण या गला दबाने से किसी भी कारण से उसकी जान। ठीक है, थैंक यू।